नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए जीआरपीएफ ने चलाया सुरक्षा अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गांव तिगराना से शुरू की गई जागरूकता रैली। गारनपुरा व आसपास के गांव के वासी भैंस चोरी की शिकायतों को लेकर मिलने पहुंचे पुलिस अधीक्षक से। नमन बना कजाकिस्तान में बेस्ट बॉक्सर, भारत व प्रदेश का नाम किया रोशन। अब खबरें विस्तार से। रेलवे पुलिस द्वारा रेल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत शुक्रवार को की गई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जीआरपीएफ अधिकारी सनेश सिंह ने बताया कि उन्होंने महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ अनेकों अप्रिय दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चोरी, अपहरण इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस के द्वारा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए जीआरपीएफ अधिकारी सनेश सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान महिलाओं को बताया जाता है कि वे अपने कीमती सामान, जेवरात इत्यादि को किस प्रकार से सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय व्यक्ति से खाद्य व पेय पदार्थों का सेवन न करें। पुलिस अधीक्षक रेलवे अम्बाला साहब ने के आदेश पर महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए पखवाड़ा चलाया गया है, जो रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करके महिला विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम की जा रही है। जैसे महिला कोच में किसी पुरुष यात्री की यात्रा न करना, और जैसे महिलाओं को समझाया जा रहा है कि खासकर रात्रि के समय खिड़की के साथ बैठ कर यात्रा न करें और अपने पहने हुए जो जेवरात हैं उनको ढक कर रखें, और जैसे मोबाइल वगैरह वो भी अपने संभाल कर रखें, और जैसे छेड़खानी के अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए पकड़ा चलाया गया, और न ही कोई स्निचिंग का मामला सामने आया है, और ये 15 से 31 तक चला जा रहे हैं। शुक्रवार को गांव तिगड़ाना के युवा नागरिकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पर एक जागरूकता रैली की शुरुआत की गई। युवा मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि वे अभियान के दौरान भवानीखेड़ा व भिवानी हलके के नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को मद्देनजर रखते हुए तिगड़ाना गाँव के युवा नागरिकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। गांव के नवयुवकों द्वारा चालू किया गया ये अभियान पूरे भवानीखेड़ा व भिवानी हलके का भ्रमण करके लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करेगा। इस पर उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत होगा तो लोगों की स्वच्छ सोच होगी तथा नागरिकों की सोच भी अच्छी रहेगी, और इसी के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस अवसर पर युवा मंडल द्वारा सभी से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई। तिगड़ाना से संतर भिवानी हलके पूरे हलके का दौरा करेगी। गांव-गांव, शहर-शहर, प्रत्येक गांव, जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है उसको जागरूक बनाने के लिए, लोगों को जागरूकता की कमी है, द्वार द्वार जाकर हर एक इंसान को जागरूक करना। नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई गई स्वच्छ अभियान हर गांव में करेंगे। गांव गारनपुरा व आसपास के गांव के ग्रामीण भैंस चोरी मामले की शिकायत को लेकर लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। इन ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ने के बावजूद भी उनकी भैंस वापस न करने का आरोप लगाया। पिछले 6 महीने से विशेषकर गांव गारनपुरा व आसपास के गांव के में भैंस चोरी व फसल चोरी की घटनाएं घट रही हैं। गांव वासियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर इस मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया से मुलाकात कर शिकायत की और उन्हें बताया कि उनके गांव में कई बार भैंसों की चोरी हो चुकी है। यहां तक कि बीते 18 दिसंबर को गांव में चोरी की गई भैंस के लिए पूरे प्रदेश में वीटी की गई थी और असंध के पास चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तार किए गए चोरों से आज तक उनकी भैंस वापस नहीं दिलवाई गई है। मैं सही चोरी विश्वास्त आए हैं, हमारा प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, चोर मिले हैं ना, हमारी कोई बरामदी हुई है, 18-19 में मिले हैं। पुलिस को वहाँ से हम लिया है तो शाम थाने ने हमारा कुछ नहीं किया, हमें वैसे ही बरगलाए गए, हमें झूठे आश्वासन दे करके हमें
छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं मिला। पिछले 5-6 महीने से हमारे क्षेत्र के अंदर कम से कम 10-12 गाँव में पैसों की चोरियाँ हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वाली जो पूंजी रह गई पशु की वो भैंस की रह गई। और ये जो एक आंदोलन करना चाहिए गांव वालों को, वो केवल मात्र दरखास्त दे करके FIR दर्ज करा करके वहीं तक सीमित हो जाते हैं, और पुलिस वाले उनको कह देते हैं कोशिश करने लग रहे हैं, मिलेगी तो आपको बता दें। हमारे 3-4 गाँव के मौजी आदमी बुलाए हैं, पहली तो हमारी कोशिश है कि वार्तालाप से सरकार पर दबाव डालें कि ये जल्दी से जल्दी एक्शन लेके करवाएं, और नहीं करवाएंगे तो हम थाने का घेराव करेंगे तोशाम थाने का, क्योंकि मुख्य थाना तो तोशाम है, तोशाम के थाने को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा इनका आदमी निकले। 20-24 दिसंबर तक कजाकिस्तान में आयोजित गलियान जहरेल गपोव टूर्नामेंट के 90 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी के मुक्केबाज नमन ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को भिवानी पहुंचने पर नमन की द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी के पदाधिकारियों व खेल प्रेमियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी के नमन ने कजाकिस्तान में 20-24 दिसंबर तक आयोजित गलियान जहरेल पोव टूर्नामेंट में 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ी नमन का भिवानी में पहुंचने पर अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर नीलम गुप्ता, मुक्केबाज संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर LB गुप्ता, अकादमी केयर टेकर मुकेश रानी, महासचिव प्रीतम दलाल, नमन के पिता सुरेंद्र सिंह ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। नमन ने अपनी सफलता का श्रेय कोच संजय सुरान को दिया। कोच संजय सुरान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अनेक देशों की टीमों ने भाग लिया, लेकिन नमन ने सभी को अपने मुक्के के दम पर पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक पर तथा सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। स्वागत करने वालों में सहायक कोच सनी, अशोक शिवाच मिताथल, कृष्ण शिवाच सज्जन व खेल प्रेमी मौजूद थे। आगे आने वाला मेन टूर्नामेंट तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके लिए तैयारी, मेरे जो जीत का जो सारा क्रेडिट है मेरे कोच संजय सुरान को जाता है। नमन तवर जो पाकिस्तान में खेलने गए थे, इन्विटेशन कमीशन था, इसमें गोल्ड मेडल लिया है और बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड जीता है। इसमें काफ़ी अच्छे कंट्री थे, कजाकिस्तान में खुद एक वर्ल्ड में नाम है बॉक्सिंग का, उसके 4 बॉक्सर खेले थे, उनको अच्छे से बीट किया, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है इससे, जो आगे कॉमनवेल्थ एशियन गेम होना है उससे से इस कम्पिटिशन से उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा इसको। हमें उम्मीद है कि अभी आगे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक इस गेम में मेडल लेके आएगा। चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए GRPF ने चलाया सुरक्षा अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गांव तिगराना से शुरू की गई जागरूकता रैली। गारनपुरा व आसपास के गांव के वासी भैंस चोरी की शिकायतों को लेकर मिलने पहुंचे पुलिस अधीक्षक से। नमन बना कजाकिस्तान में बेस्ट बॉक्सर, भारत व प्रदेश का नाम किया रोशन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।